हाय किड्स, आज हम पढ़ेंगे रहीम्स जर्नी। ठीक है, रहीम हैज टू ट्रेवल 1 and 1/4 किलोमीटर टू रीच स्कूल। व्हाट डिस्टेंस डज ही ट्रेवल टू गो टू स्कूल एंड कम बैक होम। वो बोल रहे हैं कि रहीम अपने घर से और स्कूल रोज कितना चलता है, 1 and 1/4 किलोमीटर। मतलब ये जो 1/4 है, ये क्या है, आधे का भी क्या है, आधा, आधे का भी क्या है, आधा। तो इसका मतलब उसको घर, स्कूल से घर आने में और स्कूल से घर जाने में कितना टोटल, कितना टाइम टोटल, कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ती होगी उसे घर से स्कूल की, ये है 1 and 1/4 किलोमीटर। तो टोटल कितनी होगी, दिमाग लगाओ। अब देखो, एक दो से पूरे आनी पड़ रही है ना, तो एक और एक कितना हो गया, एक आना एक जाना कितना हो गया, दो। और 1/4 इधर आने में और 1/4 उधर जाने में, दो 1/4 मिलके कितना बन जाएंगे, आधा। वेरी गुड, दो प्लस आधा तो कितना हो गया, इतना जाना पड़ रहा है उसे, 2.5 किलोमीटर। ठीक है, समझ आई। लता बॉट अ पेंसिल एंड अ पेन फॉर 7.5 रुपीज। देखो लता ने क्या किया है, एक पेंसिल ली और एक पेन ली, कितनी, 7.5 रुपीज। मतलब 7.5 मतलब 7 और आधा, मतलब 7 रुपए कितने पैसे में, 50 पैसे में, वही तो हुआ। सी गेव रुपीज 10 टू द शॉपकीपर, और उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए, 10। और दुकानदार ने उसको बाकी जितने भी पैसे थे वो उसने हाफ एंड क्वार्टर रुपीज में दिए, मतलब उसने 50 और 25 पैसे के सिक्कों में दिए, तो उसे कितने रुपए वापस मिले होंगे। पहले तो तुमको ये जानना पड़ेगा कि उसे वापस कितने रुपए मिले होंगे। 7.5 रुपए का उसने सामान लिया, तो उसे 10 रुपए में कितने रुपए वापस मिले होंगे, 3 रुपए वापस लिए होंगे, 3.5। वेरी गुड, कितना, 2.5, 2.5 या 2.5 तो होता नहीं है, क्या बोलते हैं, 2.5। तो कितने रुपए उसे वापस मिले, 2.5, ये वापस मिले उसे। लेकिन वो बोल रहे हैं कि उसको ना 2 रुपए मिले, 2 रुपए तो उसे मिले नहीं, उसे कितने में मिले सिक्के, 50 पैसे और 25 पैसे में। तो अब इसको 50 पैसे और 25 पैसे में डिवाइड करो, 50 पैसे के कितने सिक्के मिले होंगे उसे, 50 पैसे के 4। चलो 50 पैसे के 4 सिक्के मान लिए, तो कितने हो गए 50 पैसे के 4 सिक्के, 2 रुपए हो गए। और अब 25 पैसे का माना, 25 पैसे के हमारे 25 पैसे के 2। ऐसे कोई कितने भी सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि उसे 50 पैसे के टोटल कितने सिक्के मिले हों, 5। 50 के 5 मिलेंगे तभी तो 2.5 हो जाएंगे, है ना। 50 पैसे का माना, उसे 50 पैसे का एक ही मिला हो, तो बाकी कितने, बाकी तब उसे 25 पैसे के कितने मिलेंगे, 25 पैसे माना 50 पैसे का उसे एक ही मिला, तो अब 50 पैसे का उसे एक मिला, तो अब कितने बचे हैं, 2 रुपए बचे हैं, तो 2 रुपए में कितने आएंगे 25 पैसे के सिक्के, 8। सिंपल है, 8। ठीक है, अब देखो रेलवे स्टेशन पे एक ये लड़की पहुंची है। अब रेलवे स्टेशन पे क्या आ रही है, एक अनाउंसमेंट आ रही है कि योर अटेंशन प्लीज, मैंगलोर एक्सप्रेस कमिंग फ्रॉम मैंगलोर एंड गोइंग टू तिरुवनंतपुरम इज नाउ रनिंग लेट बाय 1/2 आवर। वहाँ पर एक अनाउंसमेंट आ रही है कि जो आपकी जो ट्रेन है, जो कि मैंगलोर एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है और वो मैंगलोर से तिरुवनंतपुरम जा रही है, वो आधे घंटे क्या है, 1/2 आवर मतलब आधे घंटे क्या है, लेट। आधे घंटे मतलब जो माना अगर वो 12 बजे आने की, तो अब कितने बजे आएगी, 12:30 पे, माना वो 12:30 बजे आने वाली, तो अब कितने बजे आएगी, 1। अब देखो, ओ द ट्रेन इज लेट टुडे, द राइट टाइम इज 6:45। अब वो बोल रहे हैं 6:45, उसका जो एग्जैक्ट टाइम था वो था 6:45। 6:45 का मतलब होता है 6:45, मतलब अभी 7 बजने में कितने मिनट और हैं, 15 मिनट और हैं, तो 6:45 पे उसने आना था। ठीक है, व्हाट टाइम इज द ट्रेन एक्सपेक्टेड टू कम टुडे। अब देखो 6:45 उसका एग्जैक्ट टाइम था, अब वो कितने बजे आएगी, क्योंकि आधे घंटे लेट है, कितने बजे आएगी, आधे घंटे लेट है। अब बताओ 6:45 से आधा घंटा और कितना होगा, 7:45 कितने मिनट, 5 मिनट। वेरी गुड, कितना, 7:15, 7:15 पे वो आएगी, क्योंकि आधे घंटे लेट है। नाजिया गेट्स ऑफ स्टेशन आफ्टर 2.5 आवर्स फ्रॉम दिस स्टेशन, व्हाट टाइम विल सी गेट ऑफ। अब वो बोल रहे हैं नाजिया गेट्स ऑफ स्टेशन, नाजिया कोई लड़की है, वो स्टेशन से उतरती है आफ्टर 2.5 आवर्स फ्रॉम दिस स्टेशन, मतलब इस स्टेशन से, मतलब इस स्टेशन पर ट्रेन कितने बजे आनी है, 7:15 बजे। ठीक है, इस स्टेशन के बाद वो 2.5 घंटे में, मतलब 2.5 घंटे बाद उतर जाएगी, तब कितना टाइम रहेगा, आप पहले ये लगाओ 7:15 से 2 घंटे कितने हो जाएंगे, 9:15 ठीक है, 9:15 और 9:15 के बाद आधा घंटा और है,
तो कितना हो गया? आधा घंटा और बाद आधा घंटा और है। घड़ी की सुई लगाओ ना, 15 पे है। हाँ वेरी गुड, कितना 9:45 ठीक है। सीधे दिमाग लगाओ ना, 15:03 पे अगर ये 9 पे पहुंच जाएगी तो 15 का कितना हो जाएगा सीधे 45। साजी विल टेक 5 hours टू रीच एर्नाकुलम बाई दिस ट्रेन। अब जो ये ट्रेन 7:30 यहाँ पे पहुंची है, अब कोई दूसरा बंदा है साजी, उसको यहाँ से 5 घंटे लगने वाले हैं एर्नाकुलम पहुंचने में इस ट्रेन से। तो अब बताओ कितने बजे पहुंचेगा वो 7:30 से 5 घंटे बाद? 5 घंटे बाद 2 बजे। 5 घंटे बाद 7:30 से उंगली में गिनो ना, 8:15 12 बज के कितने मिनट? 15 मिनट। सिंपल तो है, 12:15 मिनट पे वो कहाँ पहुँचेगा? एर्नाकुलम। क्लियर है? सर। ठीक है,